उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में हुई मौत के मामले में गुरुवार को दिल्ली की 30,000 कोर्ट में सजा की अवधि पर बहस हुई। सीबीआई ने दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 लोगों को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान सेंगर जज धर्मेश शर्मा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहा, कृपया मुझे न्याय दे, मैं निर्दोष हूँ, मुझे इस घटना की जानकारी तक नहीं थी, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरी आंखों में तेजाब डाल दे या फांसी पर लटका दे। जज ने सेंगर से कहा वह मामले में सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार कर चुके हैं। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब शुक्रवार को 10 बजे सेंगर समेत अन्य दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। 4 मार्च को अदालत ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद, SHO अशोक सिंह भदौरिया, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, वीरेंद्र सिंह उर्फ बउआ सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह व जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। कोर्ट ने सेंगर को धारा 120B के तहत दोषी माना, जबकि सिपाही अमीर खान, शरदवीर सिंह, रामशरण सिंह उर्फ सोनू सिंह, शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। 30,000 कोर्ट ने सजा पर बहस के लिए 12 मार्च की तारीख तय की थी। इससे पहले कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने में दिसंबर 2019 में कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 9 अप्रैल 2018 को उन्नाव में पीड़ित के पिता की हिरासत में मौत हो गई थी। परिजनों ने सेंगर और उसके साथियों पर उनकी हत्या का आरोप लगाया था। सीबीआई अभियोजक ने विशेष न्यायाधीश धर्मेश शर्मा को बताया कि मामले में दोषी ठहराए गए 2 पुलिसकर्मियों को हिरासत में लिए जाने के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। पुलिस अधिकारी लोक सेवक है और उनका कर्तव्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। मृतक को शाम 6 बजे पीटा गया, वे उसके साथ रात 9 बजे तक बैठे रहे, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, इसलिए वे अधिक उत्तरदायी हैं। 13 अगस्त 2019 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा था पीड़ित के पिता को फंसाया गया था, इसके बाद उन्हें हिरासत में भेज दिया गया जहां उनकी मौत हो गई। इसके पीछे क्या कोई मंशा थी, यह जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी साजिश थी जो पीड़िता के पिता को पैरवी करने से रोकने के लिए गई थी। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर, उसके भाई अतुल सेंगर, उत्तर प्रदेश के 3 पुलिसकर्मियों और 6 अन्य लोगों पर आरोप तय किए थे। 29 फरवरी को हुई सुनवाई में अदालत ने फैसले के लिए 4 मार्च की तारीख तय की थी। उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिका को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले की जाँच सीबीआई ने की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस दिल्ली की 30,000 कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। दिल्ली कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उसकी मृत्यु तक जेल में रखने के आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द की जा चुकी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.